तो सबसे पहला वो गाना लेते हैं, बलम घोड़े पर सवार है। सबसे इंटरेस्टिंग गाना मुझे इसमें यही लगा, क्योंकि जो बलम घोड़े पर सवार है गाना, वो उस दौर का गाना है। बाकी जो गाने हैं उनके उन कैरेक्टर्स के गाने हैं, जैसे बिखरने का मुझको शौक है, वो गा रहे हैं, वो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन बलम घोड़े पर दिखाया गया कि 40 के दशक की फिल्म है और उसमें वो गाना इस्तेमाल हुआ है। अब इसकी धुन जो है सुनी सुनी सी लगती है, बहुत ऐसा लगता है कि इसको बहुत बार सुना जा चुका। और उसका कारण है, सबसे पहला कारण तो ये कि ये जो सारे गाने रिकॉर्ड किए गए हैं, ये लाइव म्यूजिशियंस के साथ और लाइव इंस्ट्रूमेंट के साथ रिकॉर्ड किए गए, और रेट्रो इंस्ट्रूमेंट जो 40 के दशक में इस्तेमाल होते थे लगभग वही इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा सा अंतर है। तो 40 के दशक में जो गाने इस्तेमाल होते थे, रिकॉर्ड होते थे, उनमें एक खास तरीका होता था कि गायक जो गाना गा रहा होता था उसके साथ वही सेम नोट, वही सेम धुन, वही सेम मेलोडी पीछे बजती थी हारमोनियम पर या कई बार पियानो जैसे वाद्य यंत्र पर। बैकग्राउंड म्यूजिक अलग नहीं होता था, वही बजता था, जो वो गा रहा है एग्जैक्टली वही उसके पीछे बजता था। कला ने इसी चीज़ को अमित त्रिवेदी ने इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार उन्होंने उसमें चेंज क्या किया है कि उसमें अलग अलग जगह पर उन्होंने अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल की हैं। जैसे कला में अगर आप सुनेंगे तो कुछ जगहों पर वो सेम बैकड्रॉप में हारमोनियम बजता है, तो सेम बैकड्रॉप में कुछ जगह पर वायलिन बजता है, तो वो आवाज़ में वो जो 40s 30s वाला फील है वो आता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, लाइव म्यूजिशियन लाइव रिकॉर्डिंग के साथ इस्तेमाल की गई है और वही इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया। अगर वही इंस्ट्रूमेंट लाइव नहीं इस्तेमाल किए गए होते तो इम्पैक्ट दूसरा होता। उदाहरण के लिए जो इश्किया या डेढ़ इश्किया फिल्म के गाने थे, जैसे ऐसी उलझी नज़र, दिल तो बच्चा है जी, और हमरी अटरिया पर, उसमें इंस्ट्रूमेंट पुराने थे या उसमें, लेकिन वो डिजिटली मिक्स किए गए थे, उस तरह से लाइव नहीं किए गए थे, इसलिए उनका इम्पैक्ट अलग आता है, इसका इम्पैक्ट बिल्कुल अलग आता है। पहली चीज़ तो ये। अब बात करते हैं कि ये गाना सुना हुआ क्यों लगता है। तो इसमें कई गानों का इंस्पिरेशन है। एक रिदम है जो हिंदुस्तान में ढोलक पर बहुत बजती है, ओरिजिनली ये ढोलक की रिदम है, जिसको कहरवा कहते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में। एक तरह की धुन ताल है जिसको कहरवा के अंदर ही आती है, 8 मात्राओं की। मैं कोशिश करता हूँ उसको गिटार पर आपको बताने की। ये जो धुन है, ये हिंदी सिनेमा में जब भी नायिका नायक को रिझा रही होती है, ज्यादातर मामलों में यही कहरवा की यही ताल इस्तेमाल होती है। जैसे अभी जो गाना वायरल हुआ था, मेरा दिल ये पुकारे आजा, उसमें भी यही ताल है, यही रिदम है। टेम्पो अलग अलग हो सकता है, किसी में तेज होगी, किसी में धीमी होगी, लेकिन यही होता है। तो ये जब रिझाने की बात आती है, और खासतर शाम का समय होता है, तो ये बहुत इस्तेमाल होती है। मेरा दिल ये पुकारे आजा, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, और यह रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए, और इस तरह के और गाने आपको, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। और हीरो भी कम मौकों पर इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक वो आपका गाना है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, चांद सिफारिश जो करता हमारी देता है तुमको बता, ये सारी इसी रिदम पर बेस्ड है। और ये रिदम इसमें भी इस्तेमाल हुई है, काफ़ी बोल्ड तरीके से मेन पैटर्न है इस गाने का, इसमें इस्तेमाल हुई है, इसलिए आपको ये सुना हुआ लगता है। दूसरा, इसका जो आ आ करके जो आलाप कह लीजिए उसको, आकार में जो गाना बीच में आता है उसमें, वो 30-40 के दशक में होता था। और वो एक और बहुत हिट गाने से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम है आएगा आने वाला, लता जी का जो पहला सुपर हिट गाना, जिसने लता मंगेशकर उससे इंस्पायर्ड है, और वो गाना भी इसी रिदम पर बेस्ड है, सेम रिदम है, क्योंकि वहां पर भी हीरोइन हीरो को बुला रही है। तो ये आएगा आने वाला, तो ये इसलिए आपको लगता है कि आपने बहुत सुन रखा है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं कि ये कहां पर है। दूसरा जो गाना है, तो वो बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, मुझे उसके लिरिक्स अच्छे लगे। हाँ, जो पहला गाना है इसमें अंतर ये है पुराने गानों में, यहाँ पर हीरोइन जो है वो कंसेंट की बात कर रही है, उसको बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने चेंज कर दिया है कि हीरोइन जो है वो बलम घोड़े पर, सजनिया को अभी भी इनकार है बलम घोड़े पर सवार है। तो जो मोटिव है वो बदल गया गाने का जमाने के हिसाब से, उसमें उन्होंने एक चेंज कर दिया, वो है। दूसरी चीज़, जो
बिखरने का मुझको शौक है। मुझे इसकी लिरिक्स बहुत अच्छे लगे, और जो पहला पार्ट है जिसको स्वानंद गिरगिरे गाते हैं कि समेटेगा मुझको, मुझे इसमें अच्छा यही लगा कि वो संभालने की बात नहीं कर रहा है कि एक आदमी बिखर रहा है और आप मुझको संभाल लीजिए, वो उसकी बात नहीं कर रहा है कि वो बिखर जाएगा, आप उसको समेटेंगे या नहीं। बिखरने वाले को संभालने का लेना बिखरने से पहले एक अलग चीज़ है, और बिखरने वाले को समेटना बिखरने के बाद वो एक अलग चीज़ है, पे सोचा जा सकता है। तो वो लिरिक्स बड़े अच्छे लगे, और वो गाना कोई सहगल के ज़माने में रिकॉर्डिंग जो होती थी उसमें पूरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती थी, जैसे आप दिल कहते तो वो दे रिकॉर्ड होता और ला छूट जाता, तो दिल बोलना पड़ता था। इसीलिए उस ज़माने में डायलॉग इस तरह से बोले जाते थे कि क्या कर रहे हो, वो एक अलग टोन में बोलना पड़ता था। तो उसी तरीके से उसको गाया गया है, एक ये है दूसरा। और इसी टच की वजह से वो गाना उस ज़माने की फीलिंग देता है। तीसरा गाना जो जिस पे चर्चा की जा सकती है, जो मेरे ख्याल से रुबाइयत नाम है उसका, जो हीरो गाना बंद कर देता है, उसकी आवाज़ चली जाती है, फिर हीरोइन उसको कंटिन्यू करती है, वो राग पीलू में है। और इसके बाद एक और जो गाना है वाजिद अली शाह की जो ठुमरी है, वो तो राग भैरवी है, वो हमेशा भैरवी में ही जनरली कंपोज होती है, वो राग भैरवी है। पीलू भी भैरवी के थाट का ही राग है। तो ये हो गए गाने। इसके बाद एल्बम की कमियों पर आते हैं। तारीफ बहुत सारी हो चुकी है इसमें, लेकिन मुझे कुछ एक बड़ी कमियां दिखी जो नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहली कमी तो ये है कि एज अ ज्यूक बॉक्स, मतलब मैं उस फिल्म के इंडिविजुअल गानों की बात नहीं कर रहा हूँ, एल्बम की बात कर रहा हूँ। जब आप एल्बम के तौर पे उसको देखते हैं तो उसमें सबसे पहली कमी है कि उसमें से बहुत सारे गाने गायब हैं, जैसे जो बाबुल मोरा नहीं और छूट हो जाए, ये ज्यूक बॉक्स में है ही नहीं, ये पूरी होनी चाहिए थी। पहली चीज़ ये है। दूसरी, जो अम्मा पूछती, जिस गाने के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था कि वो मोरनी, जो सिल्क रूट, मोहित चौहान का जो बैंड था सिल्क रूट, डूबा डूबा रहता हूँ, उनका दूसरा एल्बम जो आया था उसका मेन गाना था वो, और बैंड टूट गया, तो कैसेट कंपनी गायब हो गई और वो गाना खो गया, मिलता नहीं था उसको। इन लोगों ने, सोनी म्यूज़िक ने फिर से उसको प्रोड्यूस किया, वो गाना भी ज्यूक बॉक्स से गायब है। क्या उसके पीछे कोई लीगल रीज़न थे कि वो दूसरे बैंड का था या था, मुझे नहीं पता, लेकिन वो गाना भी होना चाहिए था। और तीसरी जो कमी है इसमें वो है कि एल्बम कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है का मतलब सैड वर्जन होने चाहिए थे कुछ गानों के, जैसे बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, इस गाने के सैड वर्जन होने चाहिए। पुराने जो एल्बम आते थे कैसेट के दौर में, जैसे कांटे फिल्म देख लीजिए, जाने क्या होगा रामाय, उसी गाने का एक हैप्पी वर्जन होता था, और क्योंकि इतनी सैड फिल्म है, मेलनकली है वो, तो उसका एक सैड वर्जन होता था सभी गानों का। वो नहीं है इसमें से किसी भी गाने में, जो एक कमी है, जिस पर ऐसा लगता है कि मेहनत नहीं की गई, या डायरेक्टर श्योर नहीं था, मतलब अमित दत्त की बात करें, वो श्योर नहीं थी कि ये एल्बम चलेगा या नहीं चलेगा, 30s 40s की थीम है, तो ऐसा लगता है उन्होंने जल्दी में काम निपटा दिया। सैड वर्जन होने चाहिए थे इन गानों के। दूसरी चीज़, फिल्म में जैसे वो सीन है कि जहाँ पर वो कला को उसकी माँ गाने के लिए रोक देती है, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, शौक गाने में, और वो रुक जाती है, ये चीज़ वही एग्जैक्टली उन्होंने एल्बम में भी कर दी है, ये नहीं होनी चाहिए थी एल्बम में। उसमें उसके पास ज़्यादा कुछ लिरिक्स होने चाहिए थे, एक और अंतराबाद में जोड़ा जा सकता था, बहुत कुछ किया जा सकता था जो इस एल्बम को कंप्लीट बनाता। तीसरी जो सबसे बड़ी कमी है, जो मेरे ख्याल से उनका नाम श्रेया भगवतुल्ला है, जो उन्होंने जो फीमेल वर्जो तृप्ति मिरी के जिन्होंने प्लेबैक किया है, जो ये जो गाते हैं बाबिल खान के लिए जिन्होंने गाया है, प्लेबैक किया, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, और उनकी आवाज़ रोमांटिक साउंड करती है, ऐसा लगता है रोमांटिक गानों के लिए बनी हुई आवाज़ है, जबकि जो रेफरेंस है वो है गुरुद्वारे में गाने वाले का। और जब आप कहते हैं वंस इन अ जनरेशन टैलेंट और वो गुरुद्वारे में गाता है, तो वो बहुत हाई पिच पे गाते हैं, वहाँ सुखविंदर सिंह या कीर्ति या आपका उस तरह की आवाज़ होनी चाहिए उसमें, इतनी तेज़, उतनी हाई पिच की, इतनी बुलंद आवाज़ होनी चाहिए, वो नहीं मिलती है, वो गायब है, मतलब वो खलता है। वो गाने अच्छे हैं, निर्गुण जो उन्होंने गाया है उन्होंने बहुत अच्छा गाया है, और प्लेबैक बहुत अच्छा किया, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मतलब जैसे आप सुखविंदर सिंह शुरू करते हैं ना कि ना जाने दिल विच किया या मैं प्रेम प्याला किया, आप एकदम से आपको वो हिट करती है, उतना थ्रो, वो थ्रो नहीं है, या तो वो थ्रो होना चाहिए था इस आवाज़ में, बहुत सॉफ्ट तरीके से गाया। गुरुद्वारे के गाने इस तरह से
जो एक्सेप्शनली गाए जाते हैं गुरुद्वारे के गाने या कव्वाली के गाने, वो इसमें नहीं है। जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ है तो हम सुनते हैं तो उसका थ्रो अलग ही लेवल पे होता है, जो प्लेबैक सिंगर्स का नॉर्मली नहीं होता है। वो चीज़ मिसिंग है, तो वो मुझे दूसरी सबसे बड़ी कमी लगी। बाकी म्यूज़िक अच्छा है, नो डाउट। तो अगर ये अच्छा लगा हो तो हम इस पर बीच बीच में बात कर सकते हैं। जनरली मैं पोस्ट कर देता हूँ, आज हूँ लगा कि इस पर वीडियो करते हैं, तो जो भी लगाओ बताइएगा। इसको बंद करते हैं, थैंक यू, बाय।